की बात है, जनपद बलरामपुर के थाना उतरौला में जो तहसील है उसके गेट पर एक व्यक्ति का शव मिला और जब जानकारी भी तो पता लगा उसका नाम अनवर अली था, उम्र लगभग 45 वर्ष थी और वो सादुल्ला नगर थाने के रहने वाला था। तो ये जब सूचना पुलिस को मिली, वहाँ पर जो नगर पालिका के अधिकारी उनको मिली, तो वहाँ पर फिर टीम भेजी गई और ये भी जानकारी में आया है कि संभवतः मेडिकल टीम भी वहाँ पर भेजी गई थी। लेकिन इस समय चूंकि कोरोना का जो चल रहा है, हर तरफ कोरोना की वजह से एक संशय बना हुआ है, तो उसकी वजह से संभवतः वहाँ पर एक ऐसी इन लोगों ने लापरवाही की और ऐसी संवेदनहीन हरकत की है जो कि बहुत गलत है। और जो मृतक था उस मृतक की बॉडी को उठा करके एक कूड़ा ढोने वाली गाड़ी जो होती है उसमें रख करके वहाँ से हटाया गया। ये बहुत ही गलत बात हुई है। जो वहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मी थे और जो वहाँ पर नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो कोरोना का अगर संदिग्ध व्यक्ति भी था तो पूरी तरह से पीपीई किट को पहन करके उस चीज़ को हैंडल किया जाना चाहिए था, जो कि पूरी एक SOP है, लेकिन इस स्तर पर काफ़ी लापरवाही हुई। तो हमने और जिलाधिकारी बलरामपुर महोदय ने इस पूरी वीडियो को देखा, उसके बाद हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया और इसमें एक संयुक्त जांच हम लोगों ने SDM और CO उतरौला के नेतृत्व में दे दी है कि वो इस पूरे प्रकरण की अच्छे से जांच करें और ये बताएं कि इस तरह की जो संवेदनहीन जो एक घटना हुई है उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, पुलिस विभाग से कौन लोग इसमें दोषी हैं, स्वास्थ्य विभाग से कौन लोग दोषी हैं इसमें, और नगर पालिका से कौन लोग दोषी हैं, कि ताकि हम लोग ये चिन्हित करके कि किन किन लोगों की गलती रही है इस तरह की संवेदनहीन घटना में, उनके खिलाफ फिर हम लोग कार्रवाई करें।